आज मेरे सभी देशवासियों को सावन का पवित्र माह की मुबारकबाद हो। क्या बात है यार, गजब आदमी हो। नहीं मैं गजब नहीं हूँ, ये मेरे भाई हैं और मेरे मैं छोटा भाई उनका हूँ। मैं इनके त्यौहार में जाऊंगा, ये मेरे त्यौहार में आएंगे। और एक मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नूह के लिए मैं निंदा करता हूँ उस घटना की। और मैं कहता हूँ हिंदू, मुझे दुख इस बात का है कि वो जो दो कांस्टेबल मारे गए उनके बच्चों की जिंदगी में इतना अंधेरा होगा, कोई पूछने नहीं जाएगा, देखने नहीं जाएगा। मरने वाला तो दोबारा नहीं आता भाई, भाईजान नहीं आता, दोबारा नहीं आता। लेकिन वो जो अंधेरा छोड़ जाता है वो इतना दुखदाई होता है, इतना दर्द भरा होता है, ये वही जान सकता है जिसके आसपास से वो अंधेरा कभी गुजरा होगा। जी आज हम सबको, हिंदू के धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को आज बैठकर चिंतन करना होगा कि मेरा देश जल कैसे रहा है, इसे कैसे बचाया जाए, हिंदू के हृदय में मेरा मुसलमान का दिल कैसे पहुंच जाए और मुसलमान का दिल हिंदू धर्म कैसे आ जाए। हम एक हैं, हमने पूजा पद्धति बदली है। मेरा मुल्क, मेरी भारती, मेरी भारतीयता, संस्कृति नहीं बदली। इस संस्कृति बिगाड़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको चिन्हित कर खट्टर सरकार उनको सजा दे। लेकिन मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि इस देश को बचाओ, इस मोहब्बत को बचाओ और मेरे परिवार को बचाओ और मेरे इस भाईचारे को बचाओ, क्योंकि जब ये भाईचारा बचेगा तब ये मुल्क बचेगा। बहुत अच्छी बात है, ये बचेगा तो ऐसे ही भाईचारे से ही बचेगा। कहाँ भैया, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद से। बहुत दूर से आए हो, लग रहा होगा आज ये तो बोली नहीं रहे, पता नहीं इनका मूड में क्या हो गया आज। ना 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 भैया, वैसे ही मूड है, मूड मेरा वैसे ही है। बोलो बाबू, क्या नाम? मोदी जी ने जब ये बोला कि सारे नेताओं को जाना चाहिए और मुस्लिम बहनों को राखी बांधनी चाहिए, तो वो एक बात बोलना भूल गए जो उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों को समझाना चाहिए था कि जब महंगाई की बात हो तो वो ये ना कहें कि मियाओं की वजह से महंगाई हो गई है, ये भी बोलना चाहिए था। और तो ये कभी हुआ, ये किसी ने कहा कि मुसलमानों की वजह से महंगाई हो गई? आपने नहीं सुना? अच्छा, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं, मैं नहीं, मैं मुख्यमंत्री ने बोला है ये। असम के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर महंगाई बहुत हो रही है, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये मियां लोगों की वजह से महंगाई हो गई है। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो भाई, जो असम में मियां किसको बोला जाता है, जब बंगाल में जाओगे ना दालकोला के आगे से, तो मियां उनको बोला जाता है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सर मैं भागलपुर तो हूँ, अब मैं चैलेंज करता हूँ, कोई साबित कर दे। मेरी माँ बंगाली है, मैं बिहार तो बंगाल मेरा नानी घर है। असम दालकोला से लेकर के असम तक मियां सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, और ये असम के मुसलमान बोलते हैं। प्रतीक भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात बोली, स्वागत योग्य बात है, लेकिन आप बताइए ज़किया जाफरी के हाथ पे जाकर के राखी बनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? बिल्किस बानो से बनवाएंगे जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी? और अभी जो बात कर रहे थे, असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों के बयान हैं जो कहते हैं कि ठोक दिया जाएगा सदन के अंदर, तमाम ऐसे बयान हैं। जी मैं डिबेट को एक बात हमेशा कहता हूँ, वही वाली बात, दो यहाँ पे शीशे हैं और बहुत, मैं अगर आग बुझा नहीं सकता तो मुझे आग लगाने का कोई अख्तियार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ योर टर्न। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलने चाह रहे थे। मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं, मोदी जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मोदी जी ने अच्छी बात बोली है कि बहनों से राखी बंधवाइए। मेरे हस्बैंड खुद, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उनको राखी बांधती है, मुसलमान है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मुसलमान और हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अलग लिखे हैं। लिखा है क्या अंबेडकर जी ने कहीं, किसी कोई जाति प्रथा कहीं इसमें कहीं? रेदर आर्टिकल 14 ये जरूर कहता है कि इक्वालिटी में बात कीजिए। तो अगर हम इक्वालिटी में बात करते तो कौन ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हो जाते हैं और उनको इस बात का डर शुरू हो जाता है कि राजनीति किस पे होगी? फिर राजनीति किस पे होगी कि राजनीति पर बात करते करते, अरे मोदी जी तो बड़े हो गए, उन्होंने तो हाथ बड़ा कर दिया, दिल बड़ा कर दिया और कह दिया जाइए और जाकर मुसलमानों की बहनों से राखी बंधवाइए, तो डर हो गया। अरे मुसलमान, अरे ये तो मोदी जी दिल में बैठ गए। मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी जी क्या हुआ सर? अभी जब उन्होंने भाई साहब ने कहा बिल्किस बानो से जाकर राखी बनवाई है क्या, तो मैडम को उस पर चर्चा करनी चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा वो तो हर कोई स्वागत करता है उसका, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए उस बात पे करो ना। जी वेरी गुड जी, मैं आया जनाब।
मैं आया, बिल्कुल सही जी। देखिए आपने अभी जो इतनी अच्छी बातें बोली, मेरे ख्याल से अनुजा थोड़ी प्रभावित तो हुई, लेकिन राजनीति फिर यहाँ हावी हो जाती है। अब अनुजा ही इस बात का जवाब दे कि जब प्रधानमंत्री जी ही स्टेज से जब बोलते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लिया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी जनता में भेदभाव कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं और उसमें पक्षपात भी करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के मंत्री कि जब बोलते हैं कि गोली मारो, आगे नहीं बोलना चाहूंगी मैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं, हेमंत बिस्वा बोलते हैं कि मियां जी के वजह से जो है महंगाई बढ़ गई है, तमाम जितने मंत्री हैं, मोदी जी की तमाम फौज है मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही है जी, वेरी गुड। इस बारे में क्या विचार जी? अब इन्होंने फिर वही बात लाके रोक दी। मैं फिर पूछती हूँ, आज यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या इसके अंदर कहीं पर भी देखा गया वैक्सीनेशन के दौरान, क्या ब्लड बैंक के दौरान कहीं पर भी देखा जाता है, क्या जब 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा था कहीं देखा गया? आज आप सड़क पे चल रहे क्या बोला जा रहा है? टैक्स पेयर से बोला जाता है मुसलमान पैसा देगा, हिंदू पैसा नहीं देगा, क्या ऐसा कुछ है? क्या आप लोगों को जब भी कोई राजनीति की बात आती है तो ये कांग्रेस ये खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं? प्रॉब्लम यही है कि प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि संदीप दीक्षित जैसे लोग भी इसमें इन्हीं में आते हैं, अजय माखन जैसे लोग भी इसमें आते हैं, क्योंकि और वो अपनी बात को अपने ही एरिया से हटाकर बोलते हैं। कांग्रेस कहां पर क्या बोल रही है खुद समझ में नहीं आता, खुद में झोल है। जिन्होंने खुद हिंदू मुस्लिम किया हो आज वो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। 70 साल आपने हिंदू मुस्लिम किया, कश्मीर में हिंदू मुस्लिम किया, आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप लोगों ने CNRC के टाइम पर हिंदू मुस्लिम किया, आप लोगों ने जहाँ पर अभी जब हनुमान का निकला था उस टाइम पर आपने हिंदू मुस्लिम किया, तो हम लोग को क्यों पर उंगली उठा रहे बड़ी दुख की बात है आज मैं दुखी हूँ इस बात से। दुखी हैं? तो आज आप एक प्रण कीजिए। क्या नाम है आपका? संजय सिंह बेगूसराय से। संजय सिंह बेगूसराय से कि आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे, आज के बाद आप कभी मत बोलिए। रिप्लाई देने दीजिए, अभी बोल रही है क्या ये? हर रोज बार बार बोलना जरूरी नहीं, कभी सुनना भी जरूरी है। ये हमारे हमारे सारे लोगों की कमी का जड़ भी यही है, सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। बोलो मत, दुखी हो ना तो बगल में जाके पड़ोसी का आंसू पोछना आज, और कल आके बताना कि हमने पोछा था। खड़े रहो। भाजपा प्रवक्ता क्या इस बात का जवाब दे पाएंगी जब एक गरीब जो है ठेले वाला किसी मोहल्ले में जाता है तो उसका ठेला पलट दिया जाता है? क्यों पलट दिया जाता है? क्योंकि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे नेता जो है इस बात की दावा करते हैं कि इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ, और बहुत 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 प्रेम से अनुरोध करता हूँ कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना देके सल्यूशन हो तो बताओ।